तो करेंगे, हर साल करेंगे, हमने तय कर लिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस एक्टिविटी को थोड़ा और बड़ा किया जाए। इसके लिए हमने क्लब के और मेंबर्स को भी इस एक्टिविटी में जोड़ने के लिए प्रयास किया। और जब हमने ये बात उनके सामने रखी तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने तो हमारा साथ दिया दिया। प्रत्येक मेंबर ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्वेटर देखे, 400 स्वेटर करीब हमको उन्होंने सबने लिखी किया। और इस बात का हमें बड़ी खुशी हुई, फिर हमारे भी हिम्मत आगे बढ़ी। हमने ये पता किया कि आसपास जितने स्कूल हैं हमारे यहाँ पूरे सर्किल मेटासी आसपास 1300 करीब बच्चे हैं, वहाँ 1350 करीब बच्चे हैं। प्राइमरी स्कूल, सिर्फ प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, पहली से पांचवी तक के स्कूलों में। तो इसके लिए हमने एक योजना बनाई और ये बात भी बहुत दिन से चल रही थी कि कोई एक्टिविटी ऐसी हो शहर में जिसमें सारे क्लब एक साथ मिले। कई बार मिलते थे, बात होती थी, लेकिन कहीं कुछ पहुंचता नहीं था। तो इसी एक्टिविटी को हम सोच रहे हैं कि हम सब लोग आपस में मिलकर साथ में करें। और इसके लिए मैं प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं, सारे यहां पर क्लब मौजूद हैं और ये एक्टिविटी सभी क्लब अपने स्तर पर करेंगे, है ना। सिर्फ इसमें ये होगा कि हम सब साथ में क्यों आ रहे हैं, एक दिन करेंगे। एक दिन करने का सिर्फ ये मोटिव है पूरे शहर को मालूम पड़े कि लाइन बात क्या है और लाइन कैसे काम करते हैं। और एक बड़ी तादाद में जब हम बच्चों को स्वेटर देंगे तो वो भी एक अलग हमारी पहचान बनाएगा समाज में। इसलिए हम चाहते हैं करिए सब क्लब अपनी अपनी तरीके से, है ना, सब क्लब अपने स्वेटर लाएं और वो करें। राजभागी बैठे हैं यहाँ पर, ये डेट तय कर लें कि ये दिनांक हम तय कर लें, उस दिन करें तो जिससे कि पेपरों में भी एक अच्छे से हमको मिले और बच्चों तक भी ये चीज़ पहुँचे। और जो भी इसकी आगे की रूपरेखा होगी, यदि आप लोग स्वीकृति देते हैं तो तैयार कर सकते हैं, बैठ के बात हो सकती है। वैसे हमने भी कुछ तैयारी की है, हमने कुछ स्वेटर मंगाए हैं, सैंपल मंगाए हैं और स्वेटर भी होगा और इस पर मोनो भी होगा। और इस मोनो की खासियत ये होगी कि जो क्लब बांटेगा उस क्लब का नाम भी होगा इसमें, उसके क्लब का, और जो दान देता हमें देता है उसका नाम भी होगा, है ना। दोनों चीज़ें इस पर हमने लिखने का प्लान बनाया है, बाकी जैसा भी सब लोग प्लान करेंगे वैसा होगा। इसकी जो इसकी एक खासियत और है कि स्वेटर बच्चे को काफ़ी समय तक आ जाए, 4-5 साल तक बच्चा पहन लेगा एक बच्चा, उसको तो एक अच्छी चीज़ होगी। और मेरा मानना यह है कि करीबन 150 सदस्य हैं पूरे हमारे इटारसी में, डेढ़ तो होंगे भैया, डेढ़ तो क्या आपको सकते सदस्य जो हैं भाग लेते हैं। देखिए 5, 10, 15 और 20 इतने स्वेटर भी इसमें से कोई भी चीज़ यदि कुछ देता है तो ये हम संख्या आराम से 1350 तक पहुंच सकते हैं और हम इस काम को कर सकते हैं। 2 लाख रुपए का खर्चा है, यदि 2 लाख को एक क्लब करना चाहे या एक व्यक्ति करना चाहे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस एक्टिविटी को जितना प्लान कर रहे हैं पता भी नहीं चलेगा और 2 लाख रुपये भी इकट्ठा हो जाएंगे और 1350 बच्चे स्वेटर भी पहनेंगे। सिर्फ थोड़ी थोड़ी पूंजी सबको लगा के इस काम को करना है। और जैसे मैंने बताया कि 150 इसका रेट है, विथ मोनो स्वेटर आप लाइए, मोनो की व्यवस्था हम कर देंगे, मोनो हम लगा देंगे सर में, मेरा खुद का कारखाना है, ये सब कर देंगे हम लोग। स्वेटर आप भी ला सकते हैं, यदि आपको हमसे लेना हमसे ले सकते हैं, आप भी ला सकते हैं। पर इस एक्टिविटी को करना है, बस ये हमें सोचना है। सक्षम लोगों का समूह है, हम सब लोग सक्षम हैं इसीलिए अलायंस में आते हैं। और मेरी आप सबसे एक अपील भी है कि इस कार्य को पर्सनली भी प्रयास करें और आपके सक्षम दोस्त जो भले अलायंस ना हो उनसे भी आग्रह कर सकें। और यदि आप लोग इस बात की परमिशन देते हैं कि हाँ ये एक्टिविटी करना है हम सबको मिलके, तो जोन चेयरपर्सन राज सैनी जी को अवगत करा दें, उन्हें बता दें, तो बैठ कर आगे की जो भी इसकी कार्रवाई होगी वो हम कर लेंगे। अंत में मैं अपनी बात इन 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहता हूँ। जिंदगी तब बेहतर होती है, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। तो हमारा छोटा सा प्रयास, छोटी सी एक पूंजी सबकी लगेगी, बहुत सारे बच्चों को ठंड से बचाएगी और उनके चेहरे पर अमूल खुशी लाएगी। जय लाइन बाद, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू।